हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। आज हम लोग जो पोइम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है टू द स्काईलार्क, ठीक है, जो लिखी है हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ ने। और हमेशा की तरह हम सबसे पहले करेंगे इसकी समरी, देन क्वेश्चन आंसर एंड देन इसकी कोटेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न पैदा ना हो। देखिए, ये तो पोएम है टू द स्काईलार्क। एक और हमारी पोएम है टू अ स्काईलार्क, बस दा की जगह आ जाता है वहाँ पे, है ना। तो वो हमारी लिखी है पी बी शेले ने, और ये जो है टू द स्काईलार्क ये लिखी है हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ ने, ठीक है। देखिए, इसे पहचानेंगे कैसे, पहचानेंगे ऐसे जैसे हमने पढ़ा टू अ स्काईलार्क, ठीक है। आ तो ये लिखी हमारे पी बी शैले ने, तो पी हम पी बी शैले कैसे लिखते हैं, पी पॉइंट बी पॉइंट शैले, है ना, ऐसे तो लिखते हैं। तो बी ए कर लीजिए, बी के साथ ए और जोड़ लीजिए, क्या कर लीजिए, बी के साथ ए और जोड़ लीजिए, तो क्या हो जाएगा, वो पी बी ए हो जाएगा। तो उस तरीके से हम आसानी से याद रख सकते हैं कि जो हमारे टू अ स्काईलार्क है वो लिखिए पी बी शैले ने, और टू द स्काईलार्क है वो लिखिए द विलियम वर्ड्सवर्थ ने। तो इस तरीके से आपको क्या हो जाएगा, ये चीज़ माइंड में क्लियर हो जाएगी कि टू अ स्काईलार्क किसकी है और टू द स्काईलार्क किसकी है, ठीक है। बस आपको क्या याद रखना है, जो अगर स्काईलार्क हो तो बी ए कर लेना है, बी ए, बी ए करने से भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। और द स्काईलार्क हो गई हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ की। तो चलिए शुरू करते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई टू द स्काईलार्क, ओके। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो पोएम है टू द स्काईलार्क ये हमारे वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी 1825 में, ठीक है। कब लिखी थी, 1825 में। और जो पी बी शैले की थी टू अ स्काईलार्क वो लिखी थी इन्होंने 1820 में। कब लिखी थी, 1820 में। उसके बाद ये जो वर्ड्सवर्थ थे इन्होंने पी बी शैले की टू अ स्काईलार्क पढ़ी और उससे बहुत ज़्यादा क्या हुए, इंस्पायर हुए। और इंस्पायर होने के बाद इन्होंने क्या लिखी, 5 साल बाद टू द स्काईलार्क, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। तो चलिए इसकी समरी स्टार्ट करते हैं, इसमें वर्ड्सवर्थ हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, क्या नहीं कहना चाह रहे। देखिए, स्काईलार्क, स्काईलार्क क्या होता है, एक पक्षी का नाम होता है, एक पक्षी होता है जिसे क्या कहते हैं, स्काईलार्क कहते हैं, ठीक है। इस पोइम में विलियम वर्ड्सवर्थ ने स्काईलार्क को क्या करा है, ह्यूमन करेक्टरिस्टिक दे देते हैं। जैसे मतलब मानिए कि ये जो पक्षी है स्काईलार्क, ठीक है, ये क्या है, ये इसको ह्यूमन करेक्टरिस्टिक दे देते हैं। वर्ड्सवर्थ की जो स्काईलार्क है कि इंसानों से भी ज़्यादा क्या है, समझदार है। जैसे मानिए ये बहुत ऊंचा उड़ता है, आसमान में बहुत ऊंचा उड़ता है, लेकिन इसे पता होता है कि इसे दोबारा क्या होना है, नीचे ही आना है, है ना। तो इस पोइम में जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं उन्होंने क्या करा है, स्काईलार्क जो पक्षी है इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोइम की समरी। इस पोइम में हमारे तीन स्टेंजा हैं और तीन स्टेंजा में, हर एक स्टेंजा में 6-6 लाइन है, तो हमारी टोटल लाइन है इसमें पोइम में 18। तो पहला स्टेंजा देखते हैं, पहले स्टेंजा में क्या कहा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। पहले स्टेंजा में बोला है जो स्काईलार्क एक पक्षी है वो कैसा है, एक मुसाफिर की तरह है। कैसा है, एक मुसाफिर की तरह है जो आकाश में उड़ रहा है। ये मुसाफिर कैसा, ये मुसाफिर ऐसे हैं, ये जो स्काईलार्क पक्षी है ये ऐसा एक मुसाफिर है जैसे मानो कोई तीर्थ यात्री हो। तीर्थ यात्री क्यों कहा है, तीर्थ यात्री इसलिए कहा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्योंकि जैसे एक तीर्थ यात्री को केवल अपना एक लक्ष्य दिखता है कि उसे किसी पर्टिकुलर मंदिर जाना है, ठीक है। चलिए मानिए हम अमरनाथ की यात्रा पे गए, है ना, तो हम रास्ते में क्या सोचेंगे, हम एक तीर्थ यात्री हो गए उस समय क्योंकि हम एक तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं। तो हमें अमरनाथ जाना है तो हमें वही मंदिर दिखेगा कि हमें अमरनाथ जाना है, अमरनाथ जाना है, हमारा मेन लक्ष्य क्या है, मेन एम क्या है, अमरनाथ जाने का। तो ये स्काईलार्क पक्षी भी क्या है, एक मुसाफिर की तरह है और एक क्या है, तीर्थ यात्री की तरह है, जैसे अपना लक्ष्य जो है दिख रहा है कि कहाँ तक जाना है, कितना जाना है, और अपने लक्ष्य को पाने के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, वो उत्सुक है, और इसी उत्सुकता के कारण वो आकाश की ऊँचाइयों को छू जाता है। क्या, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और इतना ज़्यादा हाई उड़ जाता है, उड़ता चला जाता है, उड़ता चला जाता है। उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ उसे क्वेश्चन करते हैं उसी पक्षी से, स्काईलार्क से,
कि तुम इतना ऊंचा जो आसमान में तुम उड़ते चले जा रहे हो, उड़ते चले जा रहे हो, उड़ते चले जा रहे हो, तो क्या तुम नीचे नहीं आना चाहते? क्या ये जो नीचे की दुनिया है, ये जो नीचे की दुनिया यानी नीचे के जो लोग हैं, नीचे के जो इंसान हैं, यहाँ के जो हालात हैं, क्या तुम इन्हें पसंद नहीं करते? क्या तुम्हें इन हालातों से कोई परेशानी है क्या, जो तुम इतना ऊपर चलते चले जा रहे हो, उड़ते चले जा रहे हो? अच्छा, फिर खुद ही जवाब देते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आकाश में वो पक्षी उड़ तो रहा है स्काईलार्क, लेकिन उसका जो दिल है, उसकी जो आँखें हैं, वो क्या हैं? धरती पर ही टिकी हुई हैं। और क्यों टिकी हुई हैं धरती पर? क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उसके जो बच्चे हैं, उसका जो घोंसला है, वो धरती पे ही है, जो मतलब ओस में भीगा रहता है। वो जानता है कि उसके जो बच्चे हैं उसका इंतज़ार करेंगे, है ना? तो जब उसे नीचे आना होता है, तब वो अपने पंख फड़फड़ाता है, उसको रोक लेता है, वो क्या करता है, नीचे आ जाता है अपने बच्चों के पास। तो विलियम वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं इसमें, कि जो पक्षी है हमारा स्काईलार्क, ये उड़ता तो बहुत तेज़ी से ऊपर है। विलियम वर्ड्सवर्थ से पूछते भी हैं कि क्या तुम्हें नीचे के लोगों से, नीचे के हालातों से कोई परेशानी जो तुम ऊपर उड़ते हो? फिर वो खुद ही जवाब देते हैं, क्या जवाब देते हैं, कि चलो तुम उड़ते तो हो, लेकिन तुम्हारी आँखें और दिल क्या हैं? धरती पर ही हैं, धरती पर ही तुम देखते रहते हो, दिल तुम्हारा कहाँ है? धरती पर ही है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो परिवार है, जो बच्चे हैं, है ना, वो क्या है, नीचे ही हैं, घोंसले में ही हैं। तो यहाँ फर्स्ट स्टेंजा ख़त्म होता है। सेकेंड स्टेंजा में विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं, क्या कहते हैं, कि जो स्काईलार्क पक्षी है, वो इतना ज़्यादा डेयरिंग है, इतना ज़्यादा हिम्मत वाला है, कि वो ऊंचाइयों पे उड़ता चला जाता है, उड़ता चला जाता है, उड़ता चला जाता है, मतलब इतनी दूर उड़ जाता है कि हमारी जो आँखें हैं उसे देखना बंद कर देती हैं। आँखें देखना बंद कर देती हैं, मतलब आपने भी देखा होगा, जब हम लोग कुछ चीज़ ऊपर उड़ रही होती है, जब हम लोग देखते हैं उसे, एक टाइम आता है वो इतना ऊपर उड़ जाता है कि वो आँखों से उझल हो जाता है। तो जो ये स्काईलार्क पक्षी है, ये इतना ऊपर उड़ता है, वो भी बिना किसी डर के, बिना किसी डर के इतना ज़्यादा ऊपर उड़ जाता है कि वो हमारी आंखों से क्या हो जाता है, वो उझल हो जाता है, ठीक है। और ये जो मीठा मीठा गाना गा रहा है, ये गाना किसके लिए गा रहा है? उसका जो इतना स्वीट सॉन्ग वो गा रहा है, ये किसके लिए गा रहा है? वो अपने बच्चों से कनेक्ट रहने के लिए गा रहा है। वो जो धरती पे लोग हैं, वो ये समझते हैं कि वो जो स्काईलार्क पक्षी है, वो हमारे लिए गाना गा रहा है। वो इसी बात को देख के क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं, ठीक है। और लेकिन वो जो गाना गा रहा होता है, वो किसके लिए गा रहा होता है? वो अपने बच्चों के लिए गा रहा होता है। उसे लगता है कि कहीं उसके बच्चों से भूल ना जाए, है ना, जो उसका एक स्टाइल है, वो किसके लिए है? ये अपने बच्चों के लिए है, जो वो सिंगिंग कर रहा है। अच्छा, एक बात और कहते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, क्या कहते हैं, कि जो स्काईलार्क पक्षी है, इसको गाना गाने के लिए, गुनगुनाने के लिए किसी भी सीज़न की आवश्यकता नहीं होती है। सीज़न मतलब किसी भी स्प्रिंग सीजन की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि दूसरे पक्षियों को होती है। दूसरे पक्षियों से क्या मतलब है विलियम वर्ड्सवर्थ का, समझ जाइए, सब वो ही है ना, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। तो क्या कहना चाहते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, कि जो पक्षी है स्काईलार्क, इसको किसी भी सीज़न की आवश्यकता नहीं होती है गाना गाने के लिए। ये हर सीज़न में गुनगुनाता रहता है, गाना गाता रहता है, ठीक है। इसको किसी भी ये किसी भी टाइम और सीज़न में बाउंड नहीं है, कि इस सीज़न में ही गाएगा, इस टाइम ही गाएगा। यहाँ सेकेंड स्टेंजा ख़त्म होता है। थर्ड स्टेंजा पे आते हैं। थर्ड स्टेंजा में विलियम वर्ड्सवर्थ बोलते हैं, एक और पक्षी का नाम लिया उन्होंने यहाँ पे, नाइटिंगेल, ठीक है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, नाइटिंगेल वाली, जब नाम लिया है उसका, ये मैंने कोटेशन में डाला भी है। क्यों? क्योंकि जब नाइटिंगेल का नाम आ जाता है तो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो ये की कौन सी पोएम है, और ये एग्जामिनर मोस्टली पूछ लेता है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। ये मैं लाइन करवाऊँगी, कोटेशन में डाली है। तो पहले थर्ड स्टेंजा की जो है समरी समझ लेते हैं। क्या कहते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ? कहते हैं कि जो नाइटिंगेल पक्षी है, ये कहाँ रहता है? ये घने जंगलों में रहता है, ठीक है। और ये जो स्काईलार्क है, ये खुले आसमान में रहता है। नाइटिंगेल भी गाता है, ये भी गाता है, लेकिन जो स्काईलार्क पक्षी की मधुर आवाज़ है, उसकी आवाज़ लगती है डिवाइन, बिल्कुल डिवाइन लगती है। वह स्काईलार्क से रिक्वेस्ट करते हैं, क्या रिक्वेस्ट करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ स्काईलार्क से, कि हे स्काईलार्क, ये जो घना जंगल है जहाँ तुम गाना गा रहे हो, इसे छोड़ दो। किसके लिए छोड़ दो? नाइटिंगेल के लिए छोड़ दो। क्यों छोड़ दो नाइटिंगेल के लिए? क्यों वो कह रहे हैं कि नाइटिंगेल के लिए छोड़ दो, ये उसका प्राइवेट स्पेस है। क्यों? क्योंकि नाइटिंगेल क्या करता है, घने जंगलों में गाना गाता है, और तुम आसमान की ऊँचाइयों में उड़कर कभी भी कोई भी गाना गा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है गाना गाने में। इसलिए ये जो जो जंगल का एरिया है,
घना एरिया ये किसके लिए छोड़ दो तुम? नाइटेंगल बर्ड के लिए छोड़ दो। तुम जो इतना ऊंचा आकाश में उड़ते चले जा रहे हो, तुम्हारा जो गाना गाने का स्पेस है वो बहुत ज़्यादा क्या है, ब्राइट और डिवाइन है। क्यों है ब्राइट और डिवाइन? क्यों? क्योंकि जब तुम उड़ते हो, सूरज की रोशनी तुम पे पड़ती है, तो क्या हो जाती है, तुम्हारी आवाज़ एकदम ब्राइट और डिवाइन हो जाती है। इसलिए ये जो नाइटेंगल है, नाइटेंगल के लिए जंगल है, इसे किसके लिए छोड़ दो? नाइटेंगल के लिए छोड़ दो। तुम्हारे लिए आकाश का स्पेस क्या है? बहुत है। और लास्ट में क्या कहते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ स्काईलार्क के लिए, कि ये जो स्काईलार्क है ये उन पक्षियों में से है जो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, समझदार होते हैं, है ना। विलियम वर्ड्सवर्थ ने स्काईलार्क को साधु संत से भी ज़्यादा समझदार बताया है। क्यों बताया है साधु संतों से भी ज़्यादा समझदार विलियम वर्ड्सवर्थ ने? उन्होंने कहा है कि ये जो नाइटेंगल पक्षी है, इसे पता है कि इसका लक्ष्य क्या है, इसे पता है कि इसको लौट के क्या होना है, घर ही आना है। ये चाहे कितना भी ऊंचा उड़ जाए, पर इसे ये पता है कि इसको लौट के क्या आना है, अपने बच्चों के पास आना है, अपने घर आना है। ये अपना जो एक रूट है वो कभी नहीं भूलता, हमेशा अपने रूट से, अपने बच्चों से, अपने ज़मीन से क्या रहता है, कनेक्ट रहता है। तो इसलिए क्या बताया है स्काईलार्क पक्षी को? बहुत ज़्यादा समझदार बताया है। आई होप ये समझ में आई होगी। तो चलिए क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं टू द स्काईलार्क के। 184 तक हम कर चुके थे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 185। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हु कंपोज्ड दिस पोएम? जैसे कि पता ही है किसने कंपोज्ड करी थी ये पोएम, हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ ने। किसने करी थी कंपोज्ड? हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 186। हाउ मैनी लाइन्स आर देयर इन द पोएम? इस पोएम में कितनी लाइनें हैं? जैसे मैं आपको बता ही चुकी हूँ ये भी कि इस पोएम में कितनी हैं टोटल लाइनें, 18 लाइनें, ठीक है। स्टेंजास कितने हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, कितने स्टेंजास हैं? 3 स्टेंजास हैं, ठीक है। और एक स्टेंजा में कितनी लाइनें हैं? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 188। When was this poem composed? ये जो poem composed हुई थी ये कब composed हुई थी, William Wordsworth ने कब लिखी थी ये poem? तो ये लिखी थी हमारे William Wordsworth ने 1825 में। कब लिखी थी? 1825 में। और ये poem published कब हुई थी? Next question यही है हमारा, When was this poem published? ये poem published कब हुई थी? ये हुई थी हमारे 1827 में, जब इन्होंने लिखी थी उसके 2 साल बाद इन्होंने ये poem क्या करी, पब्लिश करी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा 190 नंबर। द स्काईलार्क हैज बीन कॉल्ड, स्काईलार्क जो पक्षी है उसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा है? उसको कहा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने डेयरिंग बर्ड। डेयरिंग बर्ड कहा है? डेयरिंग बर्ड मतलब हिम्मत वाला बर्ड, जो डरे ना। क्यों ऐसा क्यों बोला है? जैसे मैंने आपको बताया था समरी बताते हुए कि वो आकाश की ऊंचाइयों में क्या करता है, उड़ता चला जाता है, इतना ऊंचा उड़ जाता है कि वो दिखना ही बंद हो जाता है, आंखों से ओझल हो जाता है बिल्कुल। तो इसलिए क्या बोला है उसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने? डेयरिंग बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 191। व्हाट डज द स्काईलार्क सिम्बोलाइज इन वर्ड्सवर्थ टू द स्काईलार्क? ये जो पोएम है स्काईलार्क में, इसमें वर्ड्सवर्थ ने स्काईलार्क को किससे सिंबलाइज किया है? ये किया है हाई इमेजिनेशन, एक्सटर्नल हैप्पीनेस, पीस एंड प्रोग्रेस। देखिए हाई इमेजिनेशन क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा उड़ता है, उसके बाद भी क्या है, उसे पता है कि उसे लौट के धरती पर ही आना है। बहुत ज़्यादा वो समझदार है, उसकी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा हाई है, उसे पता है क्या करना है क्या नहीं करना। एक्सटर्नल हैप्पीनेस एंड पीस एंड प्रोग्रेस। हैप्पीनेस भी आप भी जानते हैं क्यों? क्योंकि वो हर समय गुनगुनाता रहता है, गाता रहता है, ठीक है, खुश रहता है और अपने अपना जो रूट है उससे कनेक्ट रहता है। पीस एंड प्रोग्रेस क्योंकि वो शांत भी है और वो बढ़ता भी चला जाता है। इसलिए क्या है, किससे सिंबलाइज किया है? हाई इमेजिनेशन, एक्सटर्नल हैप्पीनेस, पीस एंड प्रोग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 192। एट विच प्लेस टू द स्काईलार्क कंपोस्ट? ये जो स्काईलार्क है ये कब कंपोस्ट हुई थी ये तो आपको पता ही चल गया, 1825 में। किस जगह कंपोस्ट करी थी? ये की थी राइडल माउंट में कंपोस्ट की थी विलियम वर्ड्सवर्थ ने, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. हाउ मेनी बर्ड्स आर डिस्कस्ड इन द पोइम. इस जो पोइम में कितनी बर्ड के नाम लिए गए हैं, कितनी बर्ड्स के बारे में बताया गया है. देखिए, एक तो हमारी हो ही गई टू द स्काई लार्क, और सेकंड मैंने आपको बताया था कि एक बर्ड है नाइटिंगेल, जिसने जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने थर्ड स्टेंजा में उसका नाम लिया है कि हे स्काईलार्क पक्षी, ये जो घने पक्षी घने जंगल में तुम बोल रहे हो, ये जंगल किसके लिए छोड़ दो, नाइटिंगेल के लिए छोड़ दो. और तुम कहाँ चले जाओ, तुम्हारी जो जगह है तुम अपनी जगह चले जाओ. ये जगह किसकी है, ये नाइटिंगेल की. नाइटिंगेल का प्राइवेट स्पेस है, और आपका प्राइवेट स्पेस क्या है स्काईलार्क, वो है खुला आकाश. ठीक है, तो दो बर्ड्स हो गई, कौन कौन सी, नाइटिंगेल एंड स्काईलार्क. नेक्स्ट हमारी कोटेशन है, देख लेते हैं. टू द लॉस्ट पॉइंट ऑफ विजन एंड बियॉन्ड माउंट डेयरिंग वर्बलर. देखिए, इसमें वही बोलता है विलियम वर्ड्सवर्थ जो मैंने आपको ऑलरेडी समरी में बता चुकी हूँ, इसलिए मैं पहले ही समरी पूरी आपको बता देती हूँ. क्यों, क्योंकि देखिए जो कोटेशंस आती हैं वो आती तो पोइम से ही हैं, है ना. अब अगर आप समरी पहले ही समझ लेंगे तो वो कोटेशन समझना बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है. तो इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें वही कह रहे हैं टू द लास्ट पॉइंट ऑफ विजन, मतलब हमारी आँखें जहाँ तक देख सकती हैं, एंड बियॉन्ड माउंट मतलब ऊंचाइयों की भी जो हद होती है, एक तरीके से जहाँ तक देख सकती हैं वहाँ तक देख लेती हैं, उसके बाद क्या हो जाते हो, हे स्काईलार्क पक्षी तुम गायब हो जाते हो. डेयरिंग वार्बलर, तुम बहुत ज़्यादा क्या हो, हिम्मत वाले पक्षी हो. क्या हो, बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले पक्षी. तो वही कह रहे हैं इसमें वर्ड्सवर्थ कि हे स्काईलार्क पक्षी तुम में क्या है, बहुत ज़्यादा हिम्मत है, तुम इतनी ऊंचाइयों तक चले जाते हो, इतनी ऊंचाइयों तक उड़ते चले जाते हो, आसमान को छू जाते हो, इतनी ऊंचाई तक उड़ जाते हो कि हमारी आंखें भी क्या हो जाती हैं, उसे देखना बंद कर देती हैं, तो हमारे आंखों से भी ओझल हो जाते हो. तो क्या हो, तुम बहुत ज़्यादा डेयरिंग बर्ड हो, बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले पक्षी हो. ठीक है, वही चीज़, दीज लाइन आर अपीयर्स इन टू द स्काईलार्क. नेक्स्ट कोटेशन है हमारी 195. देखिए, ये मैं बताई थी आपको, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें नाइटिंगेल का नाम आया है ना, और एक पोइम भी है नाइटिंगेल. तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, यही लगाए आते हैं, नाइटिंगेल वाली पोइम को ही टिक कर आते हैं. तो ये इम्पोर्टेंट है चीज. लीव टू द नाइटिंगेल हर शेडी वुड, मतलब मैंने आपको बताया था थर्ड स्टेंजा में नाइटिंगेल का नाम लिया गया है. लीव यानी छोड़ना. वो कहते हैं वर्ड्सवर्थ स्काईलार्क से कि जो घना जंगल है, घने जंगल का स्पेस है, ये प्राइवेट स्पेस किसका है, ये नाइटिंगेल बर्ड का है. तुम ये जो स्पेस है उसके लिए छोड़ दो, ये उसका स्पेस है. तुम्हारा स्पेस क्या है, खुला आकाश. तुम्हारा स्पेस बहुत ज़्यादा ब्राइट और डिवाइन है, और ये स्पेस जो है नाइटिंगेल का है, ये तुम उसके लिए क्या कर दो, छोड़ दो. ठीक है, दीज लाइन आर अपीयरेंट टू द स्काईलार्क. ये भी लाइन कहाँ से ली गई है, स्काईलार्क से ली गई है. अब इसको थोड़ा हम पहचानेंगे कैसे, थोड़ा देख लेते हैं कि अगर नाइटिंगेल आ जाए तो हम नाइटिंगेल ना करें आए. तो देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ को जैसे आप लोग जानते ही हैं, वो हर पशु पक्षी पेड़ पौधे जानवर पहाड़ नदी, ये नेचर के ऊपर ही मोस्टली लिखते हैं, सबकी तारीफ करते हैं, है ना. तो इसमें स्काईलार्क में वो नाइटिंगेल से क्या कह रहे हैं कि लीव टू द नाइटिंगेल, नाइटिंगेल के लिए क्या छोड़ दो, शेडी वुड. अभी भी वो नाइटिंगेल की भलाई के बारे में सोच रहे हैं कि उसके लिए क्या छोड़ दो, शेडी वुड, ये घना जंगल क्या करो, छोड़ दो. हे स्काईलार्क पक्षी, ये घना जंगल किसके लिए छोड़ दो, नाइटिंगेल के लिए छोड़ दो, और तुम अपने प्राइवेट स्पेस में चले जाओ. ठीक है, तो हम ये नाइटिंगेल से और लीव से हम याद कर सकते हैं कि छोड़ना है, किसके लिए छोड़ना है, स्काईलार्क क्या कह रहा है, स्काईलार्क के लिए क्या करना है, छोड़ना है. किसको छोड़ना है, घने जंगल को छोड़ना है. स्काईलार्क को किसको छोड़ना है, घने जंगल को छोड़ना है. किसके लिए छोड़ना है, किसके लिए लीव करना है, नाइटिंगेल के लिए लीव करना है. ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे याद कर सकते हैं. आई होप समझ में आया होगा. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच.